हेलो गाइस, वेलकम टू जीमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे ब्लैक विडो के बारे में। तो वीडियो को पूरे देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में। तो अभी हाल ही में आपने काफी सारे सोशल मीडिया पर ब्लैक विडो की सेट फुटेज देखी होंगी, जहां की ब्लैक विडो की जो सेट फुटेज में हमें पता चला कि ब्लैक विडो काफी अच्छा एक स्टंट कर रही है बाइक पर, और उनके पीछे एक कैरेक्टर बैठा हुआ मिस्टीरियस। तो अब वो कैरेक्टर कौन सा है, उनका रियल नेम क्या है, और वो एमसीयू में कौन सा रोल प्ले कर रही है, तो ये तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील्ड करना ज़रूरी है। फैंस को पता होना चाहिए कि उन सेट फुटेज में हमें आखिर देखने को क्या मिला गया। तो फाइनली जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। ब्लैक विडो वो सिविल वॉर का सूट पहनी हुई है और काफ़ी तेज़ी से बाइक चला रही है, और उनके पीछे जो कैरेक्टर बैठा हुआ है वो एक्चुअली में उनका नाम है फ्लोरेंस, और वो येलेना का रोल प्ले कर रही है एमसीयू में, यानी कि एक और ब्लैक विडो एजेंट। जी हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, और इन फ्यूचर ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में देखने वाला है। और बात करते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटिव, तो फाइनली टॉम हॉलैंड और सोनी कंपनी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत चल रही है, और एमसीयू में भी, और इन फ्यूचर शायद हमें स्पाइडर वर्स की लाइव एक्शन मूवी देखने को मिल सकती है, जो कि टॉम हॉलैंड ने अपनी प्रेडिक्शन करी है सोनी से, और देन उसी के साथ एमी जो कि प्रोड्यूसर थी सोनी कंपनी की, तो वो उनका कहना है कि इन फ्यूचर हमें शायद वेनम या डेडपूल, और केविन फाइगे का भी कहना है कि डेडपूल इन फ्यूचर एमसीयू में भी देखने को मिल सकता है, और वेनम भी। तो पॉसिबली ज़्यादातर हमें सारे कैरेक्टर स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक स्पाइडरवर्स टाइप की मूवी। और टॉम हॉलैंड ने तो ये भी कहा कि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक टीम अप मूवी भी चाहिए, और अभी हाल ही में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का बिहाइंड द सीन भी आया था, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की अपडेट है, और देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। और इसी के साथ अगला अपडेट काफ़ी कमाल का, तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड एक्टर आप तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, निक जॉन से इनकी शादी हुई थी, और डार्क फीनिक्स की एक्टर सोफी, तो फाइनली वो अब प्रियंका चोपड़ा की देवरानी बनने वाली है। आप रिलेशन जोड़ सकते हो कैसे। और देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का बैटमैन से रिलेटिव। तभी हाल ही में बैटमैन मूवी की एक स्क्रिप्ट पता चली, जिसमें कि कंफर्म हुआ कि बैटमैन जस्टिस लीग 2 में मर जाएगा लुईस लेन को बचाते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता हो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।